मेरी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो प्लीज आप इसको यूज तो करें घर में और साथ में जो है आगे से आगे भी इसको बढ़ाएं ताकि सभी इसका जो है फायदा ले सकें, क्योंकि ये घरेलू उपाय होते हैं जो पता नहीं होते हैं लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और इनसे बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक फिर न्यू ब्यूटी टिप्स लेके जो बहुत ही हेल्पफुल है उन कामकाजी औरतों के लिए जो जिनके पास टाइम नहीं होता है ब्यूटी पार्लर जाने का या अपनी स्किन को केयर करने का। तो ये बहुत ही थोड़े थोड़े टाइम को स्पेंड करने वाले ब्यूटी टिप्स हैं, आप जरूर अप्लाई करें। तो आज का हमारा टिप्स है कि आप हम अपने चेहरे से जो अनवांटेड हेयर हैं वो छोटे छोटे जो बाल होते हैं उनको कैसे निकालें। इसके लिए मैक्सिमम हमें ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है, वैक्स का सहारा लेना पड़ता है या ब्लीच वगैरह कराते हैं हम, थ्रेडिंग करवाते हैं। तो क्या करेंगे आप कि जो भी छोटे छोटे आपके बाल होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और निकल भी जाते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, हम यूज करेंगे 1 चम्मच हम बेसन का लेंगे, बाउल में कटोरी में 1 चम्मच डालें, उसमें थोड़ी सी जो चुटकी भर जो है हल्दी डालेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम गुलाब जल डालेंगे या कच्चा दूध है वो यूज कर लें, अगर दोनों ही नहीं है तो आप पानी यूज कर लें। पानी से उसको हल्का पतला पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उसको चेहरे पे अप्लाई करना है। चेहरे पे अप्लाई कैसे करेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ को अप्लाई करना है, पूरे चेहरे में लगाना है, बस हमने अपनी आईज के आसपास के घेरों में नहीं लगाना है, ठीक है। और 5 मिनट के लिए उसको आप छोड़ दो। 5 मिनट छोड़ने के बाद जब वो सूख जाएगा, आपको लगेगा कि वो बिल्कुल सूख गया है, तो आपने क्या करना है, उसको पानी से नहीं धोना है। हम क्या करेंगे, उसको बस उसको हाथों से रगड़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ को अच्छे से रगड़ेंगे पूरे फेस में। उससे क्या होगा, जो हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं वो उससे चिपक जो गए होंगे वो टूट जाएंगे। पेनफुल तो है, थोड़ा हल्का सा पेन तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना ब्यूटी पार्लर में जाके वैक्स वगैरह कराने से होता है, और आपके बाल आराम से निकल जाएंगे। फिर आप पानी से उसको धोएं और उसमें कोई कोल्ड क्रीम जरूर यूज कर लें, क्योंकि जब हमारे बाल निकल जाएंगे तो हमारे पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं और उसकी वजह से है कि डस्ट वगैरह फिर से अंदर जाने के चांसेस होते हैं। तो मुंह धो लें, अच्छे से उसको साफ कर लें और उसके बाद कोल्ड क्रीम अप्लाई कर लें। ये बहुत ही यूजफुल तरीका है, मैं कभी भी ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना टाइम खर्च नहीं करती हूँ, मैं घर में ऐसे ही करती हूँ। तो आप भी इसको अप्लाई करें, इसका फायदा देखें, फिर कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या लगा। इससे जो है हमारे नेचुरल ग्लो भी आती है, जो हमारी डेड स्किन होती है वो भी इसके साथ निकल जाती है जब हम मुंह रगड़ते हैं बेसन के साथ। तो आप भी ये यूज करें और ये औरों को भी बताएं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, अगर अभी तक नहीं किया है लाइक जरूर किया कीजिए मेरी वीडियोस को और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।